प्री मीडिया के साथियों, मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि कृपया करके मेरे विषय में जो कल से भ्रामक समाचार आप लोग फैला रहे हैं उसको फैलाना बंद कर दें, गलत मत दिखाएं। आपके ऊपर जनता विश्वास करती है, भारत के आप चौथे स्तंभ हैं, आप जो दिखाते हैं लोग उसके भ्रम में पड़ जाते हैं। आप कल से लगातार दिखा रहे हैं कि मैं किसी वरिष्ठ नेता के यहाँ, मध्य प्रदेश के किसी दिग्गज के यहाँ उनके बंगले में मिलने गया, ये पूर्णतः असत्य पर आधारित है। और जो वीडियो क्लिपिंग आप दिखा रहे हैं कि सर छुपा के जो निकल रहे हैं संजय पाठक है, तो आपसे आग्रह कर रहा हूँ भाई साहब, आप सभी लोग मीडिया के सभी साथी मेरे मित्र हैं, पिछले 2500 साल से मेरे साथ उठना बैठना खाना पीना साथ में रहा हमारा आपका, आप तो मेरे शरीर के हर अंग को पहचानते हैं। कल जो आप क्लिपिंग दिखा रहे हैं कि सर छुपा के संजय पाठक निकला है, और जो क्लिपिंग दिखा रहे हैं उसमें कलम नहीं है, क्या मैंने रात भर में कलम बढ़ा ली? पता नहीं किसकी फोटो दिखा के आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं। मैं आग्रह कर रहा हूं, मैं कल किसी व्यक्ति विशेष से नहीं मिला, मेरा साला भर्ती है, मैं उसको हैदराबाद में उसका मेजर ऑपरेशन होना है और मैं उसके जीवन मरण के संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, मैं उसमें अपने पारिवारिक परिस्थितियों में परेशानियों में फंसा हुआ हूं। कृपया कर से आपसे आग्रह कर रहा हूं कि किसी प्रकार का भ्रम ना फैलाएं, मैं किसी से नहीं मिला, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, भारतीय जनता पार्टी में था, भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगा। अब मेरे साथ जो जो हो रहा है पूरी प्रदेश की जनता देख रही है, कम से कम मेरी हत्या ना हो जाए बस इतना ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि राजनीतिक लाभ फायदे के लिए ये लोग मेरे को कहीं मार के भी फेंक सकते हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप कृपया कर भ्रम ना फैलाएं, मैं ना किसी से मिला ना कहीं गया, मैं भारतीय जनता पार्टी में था, भारतीय जनता पार्टी में हूं, भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा और आने वाला समय सब बहुत अच्छा होगा। आप सबको एक बार फिर से निवेदन है, कृपया करके किसी प्रकार का भ्रम अगर आप लोग के दिमाग में है तो उसको निकाल दीजिए।